वृंदा, और आज ही एक बार हम फिर से देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल प्री 2018 के लिए। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो दिस इज आवर चैनल सक्सेस पॉइंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय। डायबिटीज किससे होता है, किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है? एक्सेसनेस ऑफ इंसुलिन, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मेल फंक्शन ऑफ लीवर, हायर प्रोडक्शन ऑफ बिलुरुबिन। तो बेसिक वी ऑल नोज डायबिटीज तो बेसिकली डिजीज होता है। यहाँ बोला गया है कि किसके द्वारा होता है या फिर किस वजह से होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन का एक्सेसनेस हो जाना या बहुत ज्यादा बढ़ जाना इस वजह से, या इंसुलिन हमारे शरीर में कम होने लगता है इस वजह से, या फिर जो हमारा लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है इस वजह से, ओके okay? या फिर हायर प्रोडक्शन ऑफ बिलुरुबिन। बिलुरुबिन इज अ काइंड ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड में मोटा ब्लड सेल्स होने लगता है और वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो ब्लड में इस वजह से बोलते हैं कि बिलुरुबिन जब बढ़ता है तो बेसिकली हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाता है इस वजह से। सो करेक्ट आंसर इज लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जो डायबिटीज इज कॉज्ड बाय लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब ये लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है वो किस रीजन से होता है? ये तो कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ऐसे बहुत सारे रीजंस है जो हमारे हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते, उन सारे रीजंस की वजह से इनसे इंसुलिन का लो प्रोडक्शन होना होता है, इसकी वजह से डायबिटीज होती है, ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है? काफी कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसमें संगीत नाटक अकेडमी ने एक क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए हैं। सो ओके, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ इंडिया से क्लासिकल डांस कथक होगा। ओके okay, आपको मैं बाकी के सारे क्लासिकल डांस है वो नोट डाउन करवा देती हूँ। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्यारा असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथकली केरला का है, ओके सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज ब्लैंक ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज व्हाट टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मून और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है, जो जी का वैल्यू है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है? वैसे ये आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/6। तो द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 ऑन दैट इज अर्थ। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन। सीलिंग फैन किसने इन्वेंट किया था? इनमें से किसने इन्वेंट किया था, ये भी एक आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आता है तो आप टिक मार्क करिए, वरना बिना टाइम वेस्ट किए प्लीज आगे बढ़ जाइए। तो इसका ऑप्शंस है लियोग्रोफ कॉपमैन, बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी, लियोनार्डो द विंसी या फिलिप डेहर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फिलिप डेहर। ही वॉज द वन जिन्होंने सीलिंग फैन इन्वेंट किया था। ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ पंजाब इज। ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, और लास्ट प्रीवियस इसमें आया भी है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो,
किसी भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स की बात हो, ऐसे क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। तो एक काम करिए, लिस्ट निकालो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनको सबको लर्न कर लो। यहाँ पे लोकसभा के पार्लियामेंट्री सीट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर पे वैरी करते हैं, तो इसका आंसर होगा 13। तो चलिए, इसका एग्जाम में क्वेश्चन एक तो ये आया है और इससे रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स कौन से स्टेट में है या फिर कौन से स्टेट का है। तो ठीक है, हाईएस्ट नंबर कहाँ का है, डेफिनेटली इट्स योर यूपी, यहाँ पर है 80। सेकेंड नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र 48 पे, थर्ड पे आता है वेस्ट बंगाल 42 पे एंड फोर्थ पे आता है बिहार 40 पे। इतना इनफ होता है। इसका पॉइंट्स आप याद रखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो प्रोक्लेमेशन है पार्लियामेंट के द्वारा कितने दिनों में अप्रूव हो जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है 1 मंथ। बट जो ये 1 मंथ है ये बाद में किया गया था, पहले ये 2 मंथ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये जो है 2 मंथ से 1 मंथ किया गया। ये चीज आपको याद रखने की है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स। जो हमारा एटमोस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है। सो करेक्ट आंसर इज 5। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट। हमारे यहाँ का हॉटेस्ट प्लैनेट किसे बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह है वो, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है मरकरी, सेकेंड इज विनस, थर्ड इज नेपच्यून, फोर इज मार्स। सर करेक्ट आंसर होगा विनस, जिसे शुक्र हिंदी में शुक्र बोलते हैं। ये हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसमें CO2 जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे ज्यादा होती है और इसका टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस और इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और ये अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। एंड बाकी के जो मरकरी है, मरकरी सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कहा जाता है और मरकरी से रिलेटेड एक और बात है, ये 88 दिन में एक राउंड अपना एक चक्कर पूरा करता है। थर्ड आता है इसमें नेपच्यून, नेपच्यून को ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं एंड फोर्थ वन इज मार्स, मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ की इस प्लैनेट की जो सॉइल है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू स्टेट्स इन इंडिया विच एस्टेब्लिश्ड पंचायती राज इन 1956। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पहले 2 राज्य है जिनमें 1956 में पंचायती राज की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ये महात्मा गांधी का सपना था कि इंडिया के अंदर पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड हो ताकि जो लोकल लेवल पे जो भी कानूनी मामले होते हैं वो बहुत अच्छे से उनका निपटारा हो सके, उनका सॉल्यूशन हो सके। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
tagline do not evil, the tagline do not evil is on by. Do not evil tagline kiski hai? We have the options Yahoo, second Wing, third Google, fourth StartPay. So correct answer is Google. Do not evil tagline hai Google ne, Google ki. Chalo aage badhte hai next question pe. Next question is electric chair was invented by. Electric chair kisne invent kari thi? Option se Alfred P. Southwick, second Isaac Singer, third Murasaki Shikibu, fourth Hanaoka Shishu. इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड पी साउथविक वाज़ द वन ऑफ द हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक चेयर. क्लियर है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बनाना फिकल इज ए प्लांट डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय हे. केली की छाई एक पौधों का डिजीज होता है, ये किस वजह से होता है या फिर किसके कारण होता है? फर्स्ट वायरस के कारण, सेकेंड फंगस की वजह से, थर्ड बैक्टीरिया की वजह से या फोर्थ इंसेक्ट्स की वजह से? सो इसका करेक्ट आंसर होगा फंगस. बनाना फिकल बेसिकली फंगस की वजह से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गुड्स विच पीपुल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइजेस राइज आर कॉल्ड. वे ऐसी गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने के साथ साथ उनका कंजप्शन, उनकी जो खपत है वो बढ़ जाती है, उनको कौन सी गुड्स कहते हैं? वी हैव द ऑप्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स, सेकंड कैपिटल गुड्स, थर्ड वेवलेंथ गुड्स या फोर्थ गिफन गुड्स. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गिफन गुड्स. गिफन गुड्स इसलिए होगा कि इसमें यह होता है कि जो कोई प्रोडक्ट होता है, कोई गुड्स होती है, अगर उनकी प्राइस, ये बहुत चीप गुड्स होती है, अगर इनके प्राइस गिरने के साथ साथ इनका जो कंजप्शन है वो भी कम होता जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज. जो यूनिवर्स की स्टडी है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉस्मोलॉजी, सेकेंड एस्ट्रोलॉजी, थर्ड सिस्मोलॉजी, फोर्थ लिम्नोलॉजी. सो करेक्ट आंसर इज कॉस्मोलॉजी. स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी कहलाती है. एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष विज्ञान होता है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी में आता है. सिस्मोलॉजी जो भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी स्टडीज होती है वो सिस्मोलॉजी में होती है. फोर्थ वन इज लिम्नोलॉजी, इसके अंदर जो भी हमारे रिवर्स है, तालाब है, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडीज होती है वो इसमें होती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज. नॉर्थन हेमिस्फेयर का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? इट इज 22nd December. नॉर्थन हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होता है 22nd December. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाब्लो पिकासो वॉज फ्रॉम. पाब्लो पिकासो कहां से थे? ही इज फ्रॉम स्पेन. पाब्लो पिकासो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द 20th century. पाब्लो पिकासो 20th century के बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे एंड ये स्पेन के मलागा से थे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who discovered nitrogen? Nitrogen को किसने discover किया था? Option is Faraday, second is Hansberg, third is Hookey, fourth is Rutherford. So correct answer is Rutherford. Rutherford was one of the who discovered the nitrogen. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे next question पे. उड़ीसा वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय. उड़ीसा का जो वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? वो बनवाया गया था नरसिम्हा देव के द्वारा बनवाया गया था. एंड वी ऑल्सो नो दैट
कोणार्क जो सन टेम्पल है उसको हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, क्योंकि जो वहां पे उसका जो बना हुआ है वो एक ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है, इस वजह से उसको हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपाली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट? जो नेपाली है वो कहाँ पर बोली जाती है, वो कहाँ की लैंग्वेज है, कौन से स्टेट की लैंग्वेज है? तो वो है सिक्किम की। नेपाली बेसिकली सिक्किम की स्टेट लैंग्वेज है। कर्नाटका, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। राजस्थान, राजस्थान में हिंदी। सिक्किम में नेपाली। एंड आंध्र प्रदेश में तेलुगु। आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तेलुगु है। क्लियर है गाइस? के आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस, क्रेडिट क्रिएशन विल? अगर कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा तो उससे क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ जाएगा, डिक्रीज होगा, या फिर कोई चेंजेस नहीं होंगे, या पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज। अगर हमारा कैश रिजर्व रेशियो जो है अगर वो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे लेट्स एक्स एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 रुपीज है एंड अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है तो वी हैव 900 रुपीज, तो बैंक क्या करेगा, 900 रुपीज का तो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है ना, 900 रुपीज तो वो उधार पे दे सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो जो सीआरआर है अगर वो डिक्रीज 10% से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, क्लियर है गाइस? सो थैंक यू सो मच। सो अगर आज का वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया है तो प्लीज से लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।